हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कॉलर बनाने का बहुत ही प्यारा तरीका बताने वाला हूं। ये दोस्तों वो कॉलर है जिसमें हम छोटा सा नेक बनाने के बाद कॉलर बनाते हैं राउंड में, ये वो वाला कॉलर है। तो दोस्तों, ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, क्या करना होगा इसके अंदर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ये हमारा बैक वाला हिस्सा है। चाहे आपका बैक पल्ला 1 इंच बड़ा हो, चाहे आपका 1 बराबर हो, दोनों में आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट वाले पल्ले को लेते हैं, बैक पल्ले को भी यहाँ से हटा देते हैं। तो फ्रंट पल्ले को लेने के बाद यहाँ पे आपको दो चीज़ें करनी है, जैसे कि गले का डीप हमारा इसमें जैसे 7 इंच है, तो हम यहाँ से ब्रॉड गले का जो ब्रॉड होगा वहाँ से तिरछे में नापेंगे। 7 है तो 7.5, 7.75 पे हम निशान लगा लेंगे। हमारा निशान बिल्कुल 7.5 पे बिल्कुल ओके है, ठीक है, क्योंकि हम 7.5 इंच बढ़ा के रख लेंगे, कोई फर्क नहीं होता एक पैर में। और लंबाई में तकरीबन इसको हम 3 इंच पे निशान इस तरीके से लगाएंगे, और ये कट तक हमें इस तरीके से दोस्तों गोलाई कर देनी है। ये हमने गोलाई कर दी। अब दोस्तों, इस गोलाई को हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर ली। अब यहाँ पे हम एक कट लगा लेते हैं, हो गया हमारा सेंटर। अब दोस्तों, कट लगाने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर नापना पड़ेगा सीधे में कितना आ रहा है। ये दोस्तों 4.25 इंच आ रहा है आपके गले डीप के हिसाब तक, तो 4.25 इंच हमें सीधे में नापना है। तो हम एक बुकरम लेंगे, ये बुकरम होगी, हम यहाँ पर एक निशान लगा लेते हैं। दोस्तों, ये हमने निशान लगा लिया, मैं थोड़ा डार्क चौक लेता हूँ जिससे कि आप क्लियर देख पाएँ। अब यहाँ से हम सीधे में 4.25 इंच इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि आपको कोई भी शेप देनी हो और यहाँ से आपको कैसी शेप देनी वो अपने आप ले रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर तकरीबन एक पैर का मार्जिन छोड़ के, सिर्फ एक पैर का मार्जिन छोड़ेंगे और यहाँ पर हम वी शेप की शेप दे देंगे। तो पहले मैं निशान लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने वी नेक की शेप दे दी है। अब यहाँ पर हम इसे हल्का सा राउंड ले लेते हैं ऊपर की तरफ, और उसके बाद दोस्तों इसको है हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन देखिए इतना छोड़ के इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर लिया। अब कटिंग करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको ये इक्वल कटिंग करना है, क्योंकि हम इसके ऊपर एक बराबर दोस्तों कपड़ा पलटने वाले हैं एक जैसा। तो हम इसे इस तरीके से देखिए इक्वल कटिंग करेंगे, बिल्कुल नीचे तक सेम। ये देखिए दोस्तों, हमने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका मतलब नेक, ठीक है, छोटा सा। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो आपका हिस्सा है आपको यहाँ पे ऐसे रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे एक अंदाज़ा ले लो हल्का सा, बिल्कुल दोस्तों गला हमारा यहाँ पर आएगा। तो कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, गला बनाते वक्त हम अंदाजे से यहाँ पर जो है पूरा पलट लेंगे। कैसे पलटा जाएगा आपको जब ये जमाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जिस भी कंट्रास्ट में आपका ये पलटना है, आपको वो कपड़ा लेना है इसी के बराबर, और मशीन पर चल के आपको बनाना सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे पहले जमाएंगे, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसे कच्चा। दोस्तों, जब एक तरफ कच्चा कर लेंगे, अब इसको हम ऐसे बराबर से बुकरम के फल्टेंगे, और यहाँ पर एक पैर की सिलाई से इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे फिनिशिंग से, और इसको घुमाते हुए इस तरीके से कपड़े को ऐसे घुमाना है, और यहाँ पे दोस्तों सिलाई लगानी है। ये आपका कपड़ा फोल्ड होता जाएगा, देखिए इस तरीके से आराम से आप इसे फोल्ड करते हुए बीच में इसे हटा दें, और यहाँ पर इसे पूरा जोड़ लें, और इसको कर लेंगे दोस्तों कटिंग। इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है फालतू कपड़े की। अब दोस्तों ये वाला जो हिस्सा था आपका, इसको भी इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ तक पूरा कटिंग कर लेंगे, और इसको बिल्कुल एक बराबर से सेम इसी तरह कटिंग करके सेट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पूरा इसे कटिंग कर लिया, और ऊपर से एक बराबर इसे कटिंग कर लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से ओपन करेंगे, और बैक साइड से यानी कि उल्टी साइड से हमें ये जमाना है। तो ये जो हिस्सा है आपका सेंटर, इसको ऐसे मिलाना है, और मिलाने का एक सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद इसका सेंटर मिला के दोस्तों इसको पूरा अच्छी तरीके से सिलाई से हम जमा लेंगे। दोस्तों, जमाने के बाद अब इसे जैसे गला पलटते हैं, सेम इस पे हमें ऐसे करके सिलाई लगाएंगे, देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ, और इसको इसी तरीके से गैपिंग में सिलाई लगाते हुए पूरा अच्छी तरीके से सिलाई लगा के दोस्तों पूरा पक्का कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे ऐसे कटिंग कर लेंगे बिल्कुल नीचे तक, ये हमारा कट लग गया। अब यहाँ पर एक इक्वल कटिंग करेंगे, और सेम कटिंग हम यहाँ पर भी कर लेंगे, और गोलाई में हम इसे कट लगा लेंगे जिससे कि इसे पलटने में आसानी रहे। देखिए इस तरीके से आपको कट लगाने हैं।
कट लगाने के बाद आपको ये ऊपर की तरफ ऐसे पलटना है। पलटने के बाद दोस्तों बिल्कुल इसके किनारे पे आपको सिलाई लगानी है, तो हम इसके किनारे पे दोस्तों सिलाई लगाते हैं। इस तरीके से आपको इसके किनारे पे सिलाई लगानी होगी। फिर इसको ऐसे घुमा के इधर वाला हिस्से को भी पूरा सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है आपका किनारे पे सिलाई लग गई। अब जो ये चीज़ उठ रही है इसको हम ऐसे सेट करके दोस्तों इसके किनारे पे भी सिलाई लगाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बारीक सिलाई से दोस्तों इसको पूरे को सिलाई लगा के उतार लेंगे। तो ये दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए सिलाई लगा के पूरा उतार लिया। उतारने के बाद यहाँ पे जो भी कच्ची सिलाई है इसको हम खोल लेंगे और यहाँ पे फिनिशिंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपना बैक पल्ला लेंगे। बैक पल्ला लेने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तकरीबन इसको 1.25 इंच के आसपास इस तरीके से या 1.5 इंच के आसपास आपको निशान लगा लेना है ऊपर से, और इसको इस तरीके से कट के आसपास इस तरीके से गुलाई कर देनी जैसे मैंने करी है। इससे क्या होता है कॉलर बनाने में गले में अड़ता नहीं है, जिनको गले में चुभने की प्रॉब्लम होती है कॉलर, ये चीज़ इसको ख़त्म कर देती है। अब इसे हमने यहाँ पर कट कर लिया, इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसे बूट में हम फंसाएंगे और अपना फ्रंट में जो हमने गला पलटा था ये छोटा सा, इसको हम ऐसे करेंगे और इसकी कंधी को हम जोड़ेंगे। तो कंधी दोस्तों हम रेड कलर के धागे से जोड़ लें जिससे कि आप देख पाएंगे बाद में जो काम है इसके अंदर आप अच्छी तरह देख पाएंगे। तो हम इसे देखिए यहाँ पर ऐसे करके एक सिलाई लगाएंगे नॉर्मल। उसके बाद आप सिलाई लगाएंगे इसमें पक्का करेंगे, आगे लाके यहाँ भी पक्का करके इसे उतार देंगे। अब दोस्तों देखिए ध्यान से रेड कलर का धागा आप अच्छी तरह देख पाएंगे। हम यहाँ से थोड़ी जो कमी होती है इसको हम कैंची की मदद से इसको इतना तिरछा कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये कटिंग करने से क्या होता है यहाँ पर बहुत आसानी से हम दोस्तों कॉलर चढ़ाते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं अड़ता। अब कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर हमारा पूरा हिस्सा इस तरीके से दोस्तों कवर होता है, ये गलत होता है। आपको तिरछे में कटिंग करनी है जिससे कॉलर चढ़ाने में आसानी रहे। साइड वाले को आप इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब दोस्तों इसी तरीके से आपको जो है ऐसे मिलाना है, ठीक है। ऐसे मिलाने के बाद दोस्तों अब जो है हम इसे जोड़ लेते हैं सेम उसी तरीके से। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसे जोड़ के ओवरलॉक कर लिए। अब इसको हम ऐसे लेंगे, ये जो हिस्सा था हमने कटिंग करा था इसको ऐसे लेंगे, इसको इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जब इसे इस तरीके से डबल में करेंगे तो सेंटर में सबसे पहले लगाएंगे हम कट। ये कट दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है, ये आप ज़रूर लगाएं। कट लगाने का डबल में ध्यान रखें, डबल में हम इसे इस तरीके से इंची टेप से नापेंगे, ठीक है। एक पैर का मार्जिन छोड़ के ऐसे देखिए, ऐसे छोड़ के इसे हम नापेंगे। तो हमारा ये कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये आ रहा है 7.5 इंच एक सूत। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, 7.5 इंच एक सूत का मतलब हो गया 15.25 इंच। तो ये हमारी बेल्ट रोल है, हम बेल्ट रोल का ही आपको कॉलर लगाना बताएंगे सीधे में और आसान, ठीक है। 15 यानी 15.25 है तो हम यहाँ पर 16.5 का कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। और कटिंग करने के बाद हम सबसे पहले इसको ऐसे डबल में फोल्ड करेंगे और इसके एक सेंटर में सिलाई लगा के फिर आपको कॉलर कटिंग करना बताते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो का कैमरा ऑन होने से पहले मैंने यहाँ पर कट कर दिया। असल में यहाँ पर हमें जितना भी चौड़ा आपको कॉलर लगाना हो वैसे हम 1 इंच एक सूत का लगाते हैं। आपको नॉर्मल दोस्तों इस तरीके से निशान लगा के इसको पूरा कट कर लेना है। तो मैंने थोड़ा कट कर लिया था, फिर बाद में याद आया कि मेरे को कैमरा भी ऑन करना था। तो चलिए दोस्तों हम इसे कटिंग कर लेते हैं पूरा सीधा इक्वल। चाहे तो आप पेन से ले लें, अगर आप एक बराबर भी कैंची चलाना जानते हैं तो ज़रूरत नहीं है निशान लगाने की। तो दोस्तों ये देखिए हमने इस तरीके से जो है पूरा कर लिया। अब हमने जो गला आला नापा था वो था 7.5 इंच एक सूत, तो 7.5 इंच एक सूत हमारा ये आ गया। हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं। ये निशान लगाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर इसको गोलाई कर दें, कॉलर की जैसे गोलाई होती है सेम दोस्तों हम यहाँ पर पेन की मदद से गोलाई कर रहे हैं, ठीक है। गोलाई करने के बाद आप इसे कटिंग करेंगे, तो गोलाई आप अपने हिसाब से जैसी सेप अच्छी लगे कर सकते हैं। मैंने हल्की सी गोलाई करी, बाकी कैंची मेरी ओके चलेगी, तो मैं यहाँ पर इसे कटिंग कर लेता हूँ। ये दोस्तों आदत के ऊपर है, आदत अगर आपकी रहेगी मेरे को दिखाने के लिए आप लोगों को इस तरीके से पेन से निशान लगाना पड़ रहा है, मैं नॉर्मल दोस्तों इसी तरीके से कटिंग कर लेता हूँ। फिर इसको आप ऐसे खींच देंगे, खींचने के बाद जो भी धागे वगैरह हैं इसको ऐसे करके निकाल लें, तो ये आपका कॉलर सीधे में कट गया, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ और सीखने को मिलेगी, कई लोग कहते हैं कि सीधा कॉलर जो है
बिल्कुल आपका गोलाई में नहीं बैठता, तो मैं आपको पूरा गला बना के दिखाऊंगा। गोलाई में कॉलर है, देखिए कितना अच्छा बैठेगा। तो इसमें हमने एक कपड़ा लिया, सेम मैरून कलर के कपड़े की कंट्रास्ट में हम कॉलर लगाएंगे, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। सबसे पहले आपको प्रेस कपड़े पे हल्की लगा लेनी है कि अगर हल्की फुल्की झोल है तो दोस्तों वो आपकी निकल जाएगी। तो आपको ये इस तरीके से रखना है। रखने के बाद दोस्तों आपको बिल्कुल सीधा करके कॉलर अच्छी तरीके से चिपका लेना है। तो चलिए दोस्तों इसे हम प्रेस से पहले अच्छी तरीके से चिपका लेते हैं, फिर आगे कैसे बनेगा ये आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आप कॉलर को चिपका लेंगे तो सबसे पहले जो नीचे वाला कपड़ा है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद दोस्तों इसके किनारे पे आपको सिलाई लगानी है बारीक करके। तो बारीक सिलाई मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे सिलाई लगाता हूँ इस तरीके से। आपको दोस्तों बिल्कुल बुकरम के बराबर से ऐसे करते हुए सिलाई लगानी किनारे पर। तो पूरे कपड़े को आप इसी तरीके से फोल्ड कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, अब इसे हम कर लेते हैं कटिंग। इतना इतना कपड़ा छोड़ के आपको ये कटिंग कर लेना, पूरा कॉलर बिल्कुल बराबर से ना करें, एक पैर का आपको मार्जिन छोड़ते हुए इसे कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इस तरीके से इसे कटिंग कर लिया। अब एक पट्टी जो और थी इसके बराबर हमने जो ली है इसको ऐसे लेके यहाँ पर रखना होगा। रखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखें जो बुकरम है तकरीबन आपको इतना छोड़ के, ठीक है, इतना छोड़ के बुकरम पे मैं निशान लगाता हूँ। आपको सिलाई लगानी है, तो बूट हमने उठा लिया वो इतना छोड़ के इस पर सिलाई लगानी है, पक्का करेंगे। और बिल्कुल बुकरम के बराबर से इसको सिलाई लगाते हुए इस तरीके से घुमाते हुए आएंगे। और दोस्तों जहाँ पे हमने सेम यहाँ पे ख़त्म कराया उठाई है ना सिलाई, आपको इसको इधर लाने के बाद इस जगह पर दोस्तों हटा देंगे कॉलर को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लाके हम इसे पक्का करेंगे, ये हमने पक्का कर दिया, इसको यहाँ पे हटा दिया। हटाने का इस धागे को कर लेंगे हम कटिंग। कटिंग करने के बाद दोस्तों इसको हम एक पैर के मार्जिन से पूरा कॉलर पे कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने का दोस्तों यहाँ पे जो धागे इसे भी हम कटिंग कर लेंगे, और फिर चलते हैं प्रेस के पास। तो देखिए दोस्तों जब आप इसे पूरा कटिंग कर लेंगे, फिर आपको ये ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फोल्ड करने के बाद देखिए पूरा अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। अब ये फोल्ड करने के बाद आपको एक फिनिशिंग में कॉलर बना हुआ दिखेगा। आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, ये थोड़ी दिक्कत देगा, तो आपको बैक साइड से सिर्फ हल्की हल्की एक प्रेस लगानी है, ये बिल्कुल चिपकाना नहीं है, एक हल्की हल्की प्रेस लगानी है कि कपड़ा जो उठा उठा है, जो आपका देखिए यहाँ पर बैठ गया इतना इतना उठाइए आराम से बैठ जाए। तो आपको ऐसे सेट करते हुए हल्की सी प्रेस रखनी है, ये नहीं कि आपको पूरा चिपका देना है, बस आपको हल्की हल्की प्रेस से इसे सेट कर लेना है। तो देखिए मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रेस लगा के इसे बिठा लिया, ज़्यादा मैंने प्रेस इस पर नहीं लगाई, ठीक है। तो आप इसे देखिए, आप यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश बैठा है, इधर हमारा कपड़ा दिख रहा है, तो आपको ये इस तरीके से खींचना पड़ेगा कपड़े को, तब आपका यहाँ पर देखिए फिनिशिंग हो रहा है। बस आपको प्रेस की यही मदद करनी है, प्रेस से आपकी ये फिनिशिंग आ जाती है। तो कॉलर में प्रेस की बहुत ज़रूरत होती है, और जितनी ज़्यादा प्रेस लगा के कॉलर बनाएंगे दोस्तों, उतना ही फिनिशिंग में आपका कॉलर ये बनेगा। दोनों तरफ से आप कपड़े को अच्छी तरह खींच के दोस्तों प्रेस लगा दें। और लगाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले तो इस जगह पर हमें ये जो कपड़ा हमारा था फालतू, इसे भी हम इक्वल ऐसे फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि तिरछे में जाएगा, तो इसे भी ऐसे सेट करके, देखिए ऐसे सेट करके इस पर प्रेस रख लेंगे अच्छी तरीके से दबा के, ताकि एक फिनिशिंग दिखे। यहाँ पर हमने दबा दिया, हाथ रख देंगे इसी तरीके से। दूसरी तरफ भी आपको सेम ये प्रोसेस करना पड़ेगा, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये देखिए मुड़ा हुआ ना अजीब सा, आपको ये ऐसे सेट करना है, और यहाँ पे प्रेस की नोक रखनी है, कोई भी प्रेस हो, घर की भी हो चलेगी। और यहाँ पे ऐसे करके थोड़ी देर रखने के बाद हटाएंगे, तो दोस्तों अपने आप कपड़ा ये फोल्ड हो जाएगा, फिर उंगली रख देंगे चिपक जाएगा। तो ये दोस्तों सब होने के बाद अब यहाँ पर आपको जितने मार्जिन से कॉलर चढ़ाना है, तो हम एक पैर के मार्जिन से चढ़ाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर करेंगे एक पैर के मार्जिन से इसे कटिंग। तो ये हमने कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद आपको ये ऐसे डबल में करके मिलाना है, और मिलाने के बाद दोस्तों ये जो सेंटर आएगा, इस सेंटर में हमें लगाना है कट। अब चलते हैं मशीन पे और आपको कॉलर चढ़ाने का तरीका बताते हैं। तो दोस्तों कॉलर को हमने इस तरीके से नापा था, तो ये हमने कट लगाया था। ये कट हमारा बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, मैं यहाँ पे एक निशान लगा देता हूँ जिससे पता रहेगा कि हमारा सेंटर, और आपको अच्छी तरीके से दिखा पाऊंगा। और यहाँ भी हमने कट लगाया था दोस्तों, यहाँ पर भी हम हल्का सा निशान लगा लेते हैं, और इधर थोड़ी गैपिंग हमारी बड़ी हुई ये लग रही है मेरे को, मैं यहाँ पर इसे कटिंग भी कर लेता हूँ, क्योंकि एक पैर का मार्जिन अगर आप लेते हो तो एक पैर का मार्जिन ही आपको छोड़ना है। अब दोस्तों बैक साइड से, यानी कि जिस तरफ हमारा कॉलर है उसकी बैक साइड से आपको ये ऐसे लेना है कॉलर, जो पट्टी है आपकी बड़ी हुई, आपको यहां पर इसको ऐसे लेके देखिए हल्का हटा लेना है, और इसको इसके ऊपर ऐसे रखना है, ठीक है। रखने के बाद बिल्कुल दोस्तों एक पैर के मार्जिन से देखिए, यहां पर जितना निशान लगाया, एक पैर कहते हैं इसे हम,
तो यहाँ पर हम इसको ऐसे करके दोस्तों थोड़ी सिलाई लगाएंगे, पक्की करेंगे और इसको पक्की करके हल्का सा ही हटा लेंगे ताकि ये मुड़े ना ज़्यादा, और थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से लगाते हुए हम थोड़ी आगे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आने के बाद अब हम थोड़ा सा नाप लेते हैं कि हमारा बिल्कुल ओके है या नहीं। तो दोस्तों हल्का सा कॉलर हमारा खींचेगा और बिल्कुल ही ओके आ जाएगा। तो हमारा ये जो मार्जिन है ये बैक साइड में जाएगा और हल्का हल्का खींचते हुए हम इससे सिलाई लगाएंगे। और फिर इसको इस तरीके से हटा के देखिए ऐसे आपको सिलाई लगा लेनी है। और देखिए ये जो हमारा कट था कॉलर के कट से इस तरीके से मिल जाएगा, तो बिल्कुल ओके हमारा कॉलर चल रहा है, ये पहचान होती है। हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे, फिर इसको छोड़ के इसको ऐसे घुमाएं क्योंकि आला गोलाई में होगा तो आराम आराम से आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा। और दोस्तों कॉलर को हल्का हल्का खींचते हुए जैसे हमने आधा पूरा करा है इसी तरीके से पूरा कॉलर लगाएंगे। अब ये वाला जो कंदी है इसको भी हम बैक साइड की तरफ ले जाएंगे तो देखेंगे हमारा जो तिरछा कट था वो हमारा इस तरीके से उस तरफ झुक गया। ठीक है, इससे क्या होता है कॉलर में खिंचाव नहीं होता, ये हमारा एक पैर का मार्जिन से हमारा कॉलर इस तरीके से रहेगा तो यहाँ खिंचाव नहीं पड़ेगा। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं, यहाँ पर लगाने के बाद दोस्तों अब इसे हम नापते हैं तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा कॉलर यहाँ पर आ रहा है आराम से। हम यहाँ पर सिलाई लगाते हुए आगे की तरफ आते हैं और यहाँ पर इतनी गैपिंग जब रह जाएगी तो यहाँ पर हमें इसे सेट करना पड़ेगा। ये हमारी जो पट्टी थी इसे हम सेट करके अपने आले के बाद इसको अच्छी तरह बिठाएंगे और दोस्तों बिठाने के बाद अब इस पर लगाएंगे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इस वाले हिस्से को लगाते हुए यहाँ पे देखिए पक्का करेंगे। पक्का करा, बैक साइड में लेके दोस्तों धागा निकालेंगे। ये हमने यहाँ पे धागा निकाल दिया तो ये कॉलर पूरा लग गया। अब हम जायज़ा लेंगे पूरे उसका तो कहीं कपड़ा तो नहीं दबा फालतू। तो देखिए सेंटर ये हमारा कंधी का हिस्सा है बिल्कुल ओके है, इसी तरीके से दूसरी तरफ की कंधी का हिस्सा बिल्कुल ओके है और ये जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। तो इस धागे को हम यहाँ पर कैंची की मदद से हाथ से आप तोड़ लें। उसके बाद अब जो आपका ये कॉलर लगेगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे फिनिशिंग दिखानी है। तो कॉलर में आपका इस तरीके से आ सकता है जैसे कि आप देख रहे हैं कपड़ा ही आ रहा है आपका। आपको यहाँ से ये ऐसे फोल्ड करना अंदर की तरफ फिनिशिंग से, देखिए ऐसे फोल्ड करना है। इसको फोल्ड करने के बाद इसको ऐसे सेट करें जैसे मैंने करा, देखिए फोल्ड करके बिल्कुल धागा वगैरह जो दिख रहा था वो हट चुक बिल्कुल छुप गया। ठीक है, छुपने के बाद आपको इसे सिलाई लगानी है। किस तरीके से सिलाई लगेगी तो देखिए आपको ऐसे सेट करके हल्की सी सिलाई लगाएं थोड़ी आगे की तरफ, फिर इसको इस तरीके से सेट करते हुए दोस्तों आपको सिलाई यहाँ पर लगानी है। ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई दोस्तों लगाते हुए जाना है आगे की तरफ। तो इसे फोल्ड करते हुए जाएं और यहाँ पर एक सिलाई लगाते हुए जाएंगे तो आप देखेंगे बड़ी फिनिशिंग के साथ दोस्तों आपका ये कॉलर चढ़ जाएगा और आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। जब आप इतना कॉलर लगाएंगे तो यहाँ का हिस्सा देखेंगे कि बिल्कुल ओके आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल कॉलर हमारा ओके आ रहा है, थोड़ा ही गोलाई है तो इस वजह से आपको लग रहा है झोल है, लेकिन झोल किसी भी तरीके की नहीं है। आप आराम से दोस्तों इस पर सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली। अब ये हिस्सा है इसे भी हमें कैसे सेट करना है, इसको भी पहले से पहले हमें ऐसे फोल्ड करके देखिए बराबर करके इसको अंदर की तरफ कर देना है। चाहे आप किसी पेचकस की मदद ले सकते हैं। देखिए जैसा भी ये हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रहा हो आपको, नहीं आ रहा सेट करना, तो ये पेचकस है जिससे मैं बाइबिन भरता हूँ, इसको हम अंदर की तरफ ऐसे इससे कर देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों फिनिशिंग दिखनी चाहिए क्योंकि ये हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ दिखेगा तो फिनिशिंग आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ हाथ से क्योंकि पेचकस से नहीं हो रहा। आप हमेशा पेचकस से करें अगर आपसे नहीं हो रहा तो। ठीक है, मेरी आदत हाथ से है तो मैं यहाँ पर हाथ से दोस्तों इसे अच्छी फिनिशिंग दे सकता हूँ। तो देखिए बिल्कुल किनारे पे हमने फिनिशिंग से सारे धागे हटा दिए। अब मैं यहाँ सिलाई लगाता हूँ और बिल्कुल किनारे पे आने के बाद मैं थोड़े बैक सिलाई कर लूँगा हल्की सी। बैक लेने के बाद फिर इसके किनारे पे लाके इसको ऐसे घुमाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो कपड़ा है इसको अच्छी तरह सेट करके बिल्कुल किनारे पे आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है और इसको गोलाई में ऐसे घुमाते हुए जाना है इस तरीके से। और ले जाने के बाद ये जो धागे हैं इस धागे को कर लेंगे हम यहाँ पे कटिंग। कटिंग करने के बाद दोस्तों इसे अच्छी तरीके से सिलाई लगाते हुए जहाँ से स्टार्ट करा था वहाँ तक लेके आएंगे। अब जहाँ से स्टार्ट करी थी हम वहाँ तक आ गए, अब इससे थोड़ी और आगे लेके आएंगे सिलाई को। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कॉलर जो है चढ़ गया। अब चढ़ने के बाद हमें एक चीज़ और देखनी है बैक साइड में। तो बैक साइड में हमारे कई
कंधी तो नहीं दबी, देखिए तो आप बैक साइड भी देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ दोस्तों ये हमारा कॉलर बन चुका है। अब दोस्तों मैं इसको पूरा सीधा करके आपको इसका व्यू दिखाता हूँ कि बनने के लिए किस तरीके का लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो कॉलर का व्यू है कुछ इस तरीके से दिखेगा, गोलाई में हमारा सीधा कॉलर बैठ चुका है और ये आपका इस तरीके से दोस्तों फिनिशिंग दिखेगी, ठीक है। अब जब पहना जाएगा जिसका भी होगा तो और अच्छा दोस्तों ये कॉलर बैठ के आएगा। तो ये है आपका कॉलर की किसी भी कलर की आप यहाँ पर शेप दे सकते हो, मैंने हल्की वी दी है, आप किसी भी तरीके से शेप दे सकते हो, किस तरीके से गला नापना है आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा सिखाया है। तो दोस्तों ये तो था कॉलर वाला, अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी दोस्तों कुर्ती में साइड पॉकेट किस तरीके से लगाएं, तो ये वीडियो आपकी इस वीडियो के फौरन बाद आएगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।